सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से भी प्राप्त नहीं होता है, वो फल कलयुग में केवल और केवल भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। तो ये कलयुग की विशेषता है, कलयुग में भगवान का नाम लेने की बड़ी महिमा है। आप जितना भगवान का नाम लेंगे उतना लाभ मिलेगा। इसलिए कल भी मैंने निवेदन किया था, वृंदावन धाम की जैसी पावन भूमि पर बैठे हैं, यहाँ पर तो सोने में भी भजन हो जाता है, अगर सोते भी रहें तो भी भजन हो जाता है। तो यहाँ अगर भगवान का नाम लें तो कितनी कृपा होगी भगवान की, इसकी तो कोई तुलना भी नहीं है। तो कलयुग ने कहा महाराज, जो फल सतयुग त्रेता में यज्ञ इत्यादि करने से भी नहीं मिलता, वह फल कलयुग में केवल और केवल भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि गुण तो बहुत बढ़िया है, है? भगवान का नाम ले लो और बस व्यक्ति का हो गया कल्याण। परीक्षित जी ने कहा बताओ कौन सा स्थान दें। कलयुग ने कहा मुझे स्वर्ण में वास दे दो, सोने में, धन में। स्वर्ण का मतलब धन, धन में मेरा वास हो जाए। परीक्षित जी ने कहा ठीक है। कलयुग ने धन में वास बना लिया, स्वर्ण में वास बना लिया। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न आता है, स्वर्ण में भगवान नारायण का भी स्वरूप माना जाता है, उनका भी वास माना जाता है, और स्वर्ण में कलयुग का भी वास होता है, तो दोनों चीजें एक जगह कैसे? जहां नारायण होंगे वहां कलयुग नहीं होगा, जहां कलयुग होगा वहां नारायण नहीं होंगे। तो संत जनों ने उत्तर दिया है, देखो जीवन में जो धर्म के द्वारा कमाया जाता धन है ना, धर्म के अनुसार कमाया हुआ धन, इसमें भगवान का वास होता है, और जो अधर्म से कमाया जाता है, झूठ बोल करके, कपट करके, किसी का छीन करके, किसी से बेईमानी करके जो धन कमाया जाता है, बोले उसमें कलयुग का वास होता है। और ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन में बढ़ोतरी को करता है, और अधर्म से कमाया हुआ धर्म जीवन में अवनति को प्राप्त कराता है।